पोछा तो यही है, बाई नजर नहीं आ रही है, एक रंडी का भरुआ नजर आ रहा है। बाई नहीं है? हाँ बाई जी बता जो लम्बरदार भी है। लम्बरदार है, एक उनके साथ विधायक आया। लम्बरदार विधायक भाई जी, क्या बात है? अरे बड़े खुशी की बात। अरे कौन कस्टमर आए थे? क्या कस्टमर आए? कस्टमर 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 नहीं आए। लम्बरदार साहब उनके एक विधायक भी आए हैं। और तो अंदर करी अंदर करो गेट के अंदर। अरे तो क्या देखते हो करोगे? अरे मान सम्मान के साथ हमारे के अंदर ले आओ। ओ विधायक भाई, लम्बरदार से बोल लो गेट खुला नहीं करा जाए। चलो बाबू साहब खुलाओ। मशीन तो यार सेफ है यार। पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ।
पार्क है, कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह की पसंद है, मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगी। ठीक है जवेरी, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है, लेकिन हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है, और ये जान लो कि वो कोई और नहीं है, वो मेरी बहन है। आप अपनी बहन के साथ हमारी कोठे पर आए हैं? अरे वो कोई हमारी सगी बहन नहीं है, नो, सिर्फ रिश्ते की बहन है। अच्छा। और जिस तक उसे लेकर आऊं उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रड्डी का कोठा है तो मैं रड्डी हूं। होगा आज उसे मालूम होगा तो फिर सोच लो, तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा अल्लाह की हाथ से। तैयार रहा हूँ, आने से पहले पैसे तैयार हो आज से। ये दूधों का भाव है हो? आलू टमाटर समझिए, अरे किराया बताओ इसके दूधों का, जब से लॉकडाउन लगा किराया बिल्कुल कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया। फ्री में है, फ्री में तो है, 1 मिनट 1,000, 1 मिनट 1,000 लड़की आएगी कैसा बुलडोजर समझो यार, आज तो ज्यादा पैसा लाए नहीं, 4,000 नहीं, 5 रुपया है व्यवस्था कर दिया, 5 रुपया छू दिया। आजकल तो 5 रुपया और करोड़ नहीं मिला, और तुम 5 रुपया लेके यहाँ कोठे पर रंगबाजी करे ऐसा कोठा नहीं है, ये चमेली का कोठा है, तुम जहाँ जाते हो मुड़ मुड़वा के, ये वो कोठा नहीं है, ये चमेली रानी का कोठा है। ऐसा है क्या कहा चंपा, चलो ठीक है हम लोग चलते हैं, ठाकुर साहब का आगमन किया करते जी मैं जी। ए मास्टर जिस लाइन के लिए मैंने आया था वो काम हो गया है। हाँ कितने सौदा कर दिए? यार मैं घाटे का सौदा करके नहीं आया, मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख ले लिया। 5 लाख? हाँ हाँ 5 लाख। ऐसे कहा? अरे
पैसे भी कहां मिलेंगे? जब ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। देखो मैं ये प्रकार कर दिया, अब तुम चाइनीज को किस तरह राजी करो कि किस तरह हम उसे वहां तक ले जाए, ये काम तुम्हारा है। आपने मुझे किस लिए याद किया है? चांदी बहुत खुशी की बात है, तुम्हारे खुशियों से झूमने लगा हो जैसे वो खुशियों से झूम रहे। कौन सी बात है? तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के इंतजार में है। क्या शादी? नहीं नहीं भाभी जी, ये शादी नहीं करूंगी जब तक तेरी माँ और बाबूजी भैया बेबर नहीं आ जाते। देखो चांदी, तुम्हारे बाबा बाबूजी तुम्हारा ख्याल नहीं किए, तुम्हें छोड़कर चले गए, उनका ख्याल क्यों करते हो? आखिर हम लोग नहीं शादी करेंगे तुम्हारे से, कौन करेंगे तुम्हारे शादी? कुछ ख्याल हो गई वो। नहीं भाभी जी, ये शादी नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हारे भैया का इस शादी के रिश्ते अगर बात करके आएंगे तो तुम उनकी बातें काट दोगी? हाँ, मैं उनकी बातों को काट दूंगी। ये शादी नहीं करेगी, शादी कर रही है। चालीस साले आओ बात नहीं है, क्यों बात नहीं है भैया? भाभी मुझे इसलिए मार रही है, भाभी जी कह रहे हैं कि भी मारे भैया कई रिश्ते की बातें बिखरे गए। यारी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और मैंने सिर्फ यही कहा कि माँ और बाबू जी भैया बिमल जब तक नहीं आ जाएंगे तो सब शादी नहीं करेंगे, इतनी ही बात में मुझे बांधी थी। बस इतनी बात में? हाँ भैया। देखो तुम्हारी भाभी जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है भैया, जब तक माँ और बाबू जी भैया बिमल नहीं आ जाते शादी नहीं करूंगी भाई। शादी नहीं करोगे? देखो भाई, माँ और बाबू जी और बिमल राजभवन का चले गए हैं, नाबालिग माँ बाप इस दुनिया में है या नहीं है, तो फिर तब तक तुम इंतजार में बैठी रहोगी। इसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ के लिए करके तुम्हें ससुराल भेजू। वो लोग नहीं आएंगे तब तक मैं उनका इंतजार करूंगी। चलो ठीक है, आज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन माने रिश्ते की बात चल रही है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है, और हाँ अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लिया, रिश्ता तय हो गया, तो शादी हम तभी करेंगे चंबार बाबू जी और विमल आएगा। आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए आपकी बातों को नहीं कर सकती हूँ। भैया ना रहने तो मेरी बात को नहीं कर सकती, और मैं भी जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। इसी चलो तो इसी तैयार हो जाओ कि जब तुम्हें लेकर चलना है चलो। इधर आओ, इधर आओ। बस करिए मुझसे बात। क्या हो गया है? नाराज हो गई हो?
अरे यार तुम ये समझोगे, मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा। ठीक यार, मैं ऐसा नहीं करता। तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिली हुई है और मुझे किसी खंडक में खेलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा खेल खेला। और तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा अपनी लक्ष्मी को? है? लक्ष्मी नहीं, स्वामी जी, महालक्ष्मी। नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें कहा मारूंगा? इसे चलो देखो, तैयार करो क्योंकि अभी लेकर जाना है और नहीं कोई आ गया तो सारा खेल टिगर जाएगा। भैया कहाँ? घर में है भैया। और बेटी? वो भी घर में तैयारी बना रही। तो कौन गई चला जाए? अरे बापू हो जाएगा तो रोक मार। अरे धीरे धीरे सुबेर हो गया। जाने तो भैया, जाने में बाद में बुला लिया। परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन हम बहुत हरामी आदमी है, पागे नाने खाए धरत हो।